नमस्कार नमस्कार। यह है हमारे सिपहसालार राने खान। आदाब। आप हैं जनरल हैरिसन, कमांडर इलाहाबाद डिवीजन। नमस्कार। आइए। आइए, तशरीफ रखिए। ये खास शरबत सिर्फ आपके लिए। हिंदुस्तान की एक अजीम हस्ती से मुलाकात करके मुझे बेहद मसर्रत हुई। अगर कुछ और हालात में मुलाकात होती तो शायद हमें भी आपसे मिलकर खुशी होती। जी रोश भाई, माजी सिंधिया, हालात तो कभी एक हाल में रहते नहीं है, बदलते रहते हैं और कभी बदले भी जाते हैं। जानता हूं। आप अपने हक में हिंदुस्तान के हालात बदलने की कोशिश कर रहे हैं और हम अपने हक में, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव साहब, ये हमारा मुल्क है और इसकी किस्मत का फैसला करने का हक भी सिर्फ हमको हासिल है, सिर्फ हमको। महाजी साहब, आपको अंग्रेजों की ताकत का अंदाजा नहीं। आज इंग्लिस्तान की हुकूमत अपनी सरहद से बाहर निकलकर आधी दुनिया में फैल गई है। आपको पता नहीं हमारे मुल्क में हमारे कारखाने क्या क्या कारनामे कर रहे हैं। आए दिन नित नए हथियार बनते हैं और नित नई टोपें ढलती हैं। हमारे यहां असलाह और बारूद के पहाड़ उठते जा रहे हैं। सारी दुनिया में हमारी फौजों के लिए रसद का जाल बिछा हुआ है और हमने समुद्रों में भी अपने झंडे गाड़ दिए हैं। अब आप हमारी इस बेपनाह ताकत के सहारे शाह आलम को तख्त पर बिठाइए। हम आपके लिए इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक रास्ते में सोना चांदी बिछा देंगे। रॉबर्ट क्लाइव साहब, शहंशाह हिंदुस्तान ने हमारी राह में अपनी आंखें तक बिछा दी है। सोना और चांदी अब हमारी नजर में कोई कीमत नहीं रखते। हिंदुस्तानी गद्दारों को खरीदने की आप सौदागरों को इतनी बुरी आदत पड़ गई है कि आप लोग महाजी सिंधिया को भी गद्दार बनाने पर तुले हुए हैं। शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि दबाव पड़ने पर हम जंग में अपनी जान तक लड़ा देते हैं और मैदान जंग में क्या क्या कारनामे दिखाते हैं। हम अपने मुल्क में आप जैसे गैर मुल्कियों के साथ लड़ेंगे और अपने मुल्क के लिए शहीद तक हो जाएंगे, फिर चाहे हमारी चिता से बारूद का धुआं उठता रहे।
लगता है योर एक्सीलेंसी को शायद मायूसी हुई है। यस जनरल, हमने महाजी सिंधिया को एक सुनहरा मौका पेश किया था जो उन्होंने ठुकरा दिया। लगता है उनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। उनका एक ही इलाज है, जंग। जंग शुरू करो और इन मराठों को कुचल डालो। यस योर एक्सीलेंसी।